सिंगरौली जिले के कसर गांव में एक 3 साल की बच्ची खेलते समय बोरवेल में गिर गई। बच्ची को बचाने के लिए 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बच्ची की जान नहीं बच पाई। बोरवेल से निकालकर मासूम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों की टीम ने मृत घोषित कर दिया। सिंगरौली कसर गांव में एक 3 साल की बच्ची लगभग 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। मौके पर पुलिस प्रशासन और SDRF की टीम पहुंची और करीब 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद मासूम को बोरवेल से निकालकर सीधे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मासूम सोम्या शाह का जन्मदिन था और परिवार वाले उसका जन्मदिन मनाने वाले थे, लेकिन शाम करीब 4 बजे खेलने के दौरान बच्ची बोरवेल में जा गिरी। इस हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है। उसमें 3 वर्ष की बच्ची सौम्या शाह करके, उसके पिता का नाम पिंटू शाह है, वो अपने खेत में ही खेल रही थी। ये बोरवेल नहीं कह सकते क्योंकि ये लगभग 8 वर्ष पुराना है। खेत मालिक का कहना है 8 वर्ष पहले का ये बोरवेल है, जिसको इसने पाट भी दिया था। जितनी मिट्टी निकली थी वो सब उसमें डाल दिया था और हर साल खेत की जुताई बुआई भी कर रहा है। और कभी ऐसा उसको समझ में नहीं आया कि इतना उसमें गहरा गड्ढा है। अभी लगातार बारिश हो रही है और मिट्टी भी यहाँ की बनी है, तो बकरी के पीछे पीछे वो बच्ची यहाँ तक आई और उसका पाँव खिसका, तो मिट्टी धसक गई, जिसकी वजह से वो अंदर चली गई है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।